अमृत वेले का समय बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए अलॉट किया है, अपॉइंटमेंट हम बच्चों के लिए है, अमृत वेले के बाद भक्त आत्माओं के लिए है। तो इसलिए अपने समय पर जितना सहज मिल सकता है, दूसरे समय पर मिलना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अमृत वेले का समय इवन प्रकृति और वातावरण भी हमको मदद करता है। रात को हम सोते हैं, सवेरे उठते हैं, उठते ही हमारा संकल्प, हमारी आंतरिक स्थिति शांत होती है, क्योंकि रात का ही जो संकल्प से हम रात को सोते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को दिनचर्या भी दिया है कि रात को सोने से पहले बाबा को सब कुछ सौंप के, यानी सारे दिन का चार्ट बाबा को सुना करके, अपने मन को खाली करके, अपने मन को अपने दिल को कोरा कागज बना करके सोएंगे, तो सवेरे सवेरे अमृत वेले जब हम बाबा से मिलन मनाएंगे तो हमारा मन हमारा दिल क्लीन होगा, साफ होगा। तो बाबा उस दिल रूपी पेपर पर सारे वरदान सारे खजाने लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसलिए रात का ही आधार सवेरे अमृत वेले का है। तो इसलिए पहले रात को बाबा की याद रूपी गोदी में सो जाने से बाबा हमको अमृत वेले भी उठाएगा, और जो मुझ आत्मा को चाहिए तो वह बाबा अमृत वेला हम सभी बच्चों को भर देता है। कहते हैं बिन मांगे मिले मोती बराबर, मांग के ले पानी बराबर। तो बिन मांगे भक्ति मार्ग में आधा कलप हम मांगते आए, बाबा मुझे वो दो, बाबा ये दो, शक्ति दो, गुण दो, धन दो, लेकिन बाबा हम बच्चों को मांगने से दूर कर दिया, मांगने वाले को दाता बना दिया। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, किसी से कुछ भी मांगना नहीं, कोई भी देहधारियों से लेन देन का हिसाब किताब नहीं बनाना है। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा डेप्थ है। तो हम बाबा से सब कुछ लेने का जब प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तब हम कोई भी देहधारी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज, ये वस्तु हो या महिमा हो या कुछ भी हो, बाबा से हम ले, कोई देहधारी से लेने की अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि बाबा से जब हम लेंगे तो बाबा ही पावरफुल सोर्स है, और बाबा किसी से लेकर के नहीं देता है, लेकिन मनुष्य आत्मा किसी से लेकर के देती है। मनुष्य आत्मा के पास अपना कुछ भी नहीं है, तो वो भी भगवान से लेकर के देना पड़ता है, लेकिन देने वाले से ही हम संबंध रखे, यानी भगवान से हम संबंध रखे, श्री बाबा से संबंध रखे, जो सर्व खजानों का, सर्व शक्तियों का, सर्व विशेषताओं का जो दाता है, उसके साथ हम संबंध रखे लेने का, तो जो मुझ आत्मा को चाहिए, क्योंकि श्री बाबा को जानी जानना हार भी कहा जाता है। वो जानता है मुझ आत्मा को क्या चाहिए, तो वो हमको अमृत वेले में जब हम हमारी बुद्धि का लाइन क्लियर करके बाबा के साथ हमारा
लाइन क्लियर होकर के हम बैठेंगे तो बाबा हमको जो चाहिए जितना चाहिए उतना भरने के लिए तैयार है। तो वो भरने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कॉर्पोरेशन का वाटर आता है तो कई के पास टैंक होता है, सम्प होता है, भरेंगे। किसके पास सम्प नहीं है, छोटा सा टैंक है, टैंक में भरेंगे, कोई बैरल में भर के रखेंगे, कोई घड़े में भरेंगे। जिसके पास जितनी शक्ति है उतना ही भर सकते हैं। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, बाबा से लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको हमारी स्थिति, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा दिल साफ रहेगा, क्लियर रहेगा, कोई देहधारियों में, वस्तुओं में, वैभवों में, अपने शरीर में किसी में भी भटका हुआ न हो, साफ हो, तो हम बाबा से बाबा जो चाहता है जितना चाहता है, बाबा हमको जो बनाना चाहता है वो बाबा बना सकता है। क्योंकि बाबा भाग्य विधाता है, तो भाग्य लिखने का समय भी अमृत वेला है। कहते हैं ना, जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे थे तो क्या आप उस समय सोए थे? तो वो सोने का समय, सोने में, अमृत वेले में हम सो करके उसको खोना नहीं है। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं से लेन देन भी नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम मनुष्य आत्माओं से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम मनुष्य आत्माओं से लेंगे तो सारे कल्प में द्वापर या कलयुग अंत तक रिटर्न उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी लिया है। तो मनुष्य आत्माओं से देने लेने की अपेक्षा, माना कोई मान के भूखे होंगे, शान के भूखे होंगे, कोई कहेंगे देखो मुझे पूछा ही नहीं है, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं रखा है, मेरी विशेषता इतनी है, मेरी विशेषता को यूज नहीं किया है, मुझे मर्यादा नहीं दिया है, स्थान नहीं दिया है। तो ये हम मनुष्यात्माओं से अपेक्षा रखते हैं, या कोई वस्तु वैभवों का भी इच्छा रखते हैं। तो अभी हम लेने की इच्छा रखेंगे तो एक टाइम आएगा तो हमको देना भी पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी आत्माओं से लेन देन का हिसाब किताब नहीं रखो। जो भी हम कार्य करते हैं निमित्त बन करके करने से वहां हिसाब नहीं बनता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संबंध मुझे ही ठीक करनी है, मुझे जिम्मेवार, मैं ही जिम्मेवार हूं। तो इससे क्या होता है, हिसाब बनता है। बाबा ने मुझे इस स्थान पर निमित्त बनाया है इन आत्माओं की सेवा करने के लिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा संबंध बाबा के साथ हो जाता है। तो बाबा के साथ होने के बाद हम अपने को निमित्त समझने के बजाय जिम्मेवार अपने को समझते हैं तो हिसाब ज्यादा बन जाता है। अज्ञान काल में इतना नहीं बनता है जितना ज्ञानी बनने के बाद बनता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अज्ञानी भूल करता है तो एक का एक ही उसको हिसाब बनता है, एक का एक ही हिसाब बनेगा। लेकिन ज्ञानी जब भूल करते हैं उसका एक का 100 गुना, हम अच्छाई करें तो भी एक का 100 गुना जमा होता है,
और कोई भी गलती करेंगे तो उसका भी 1 का 100 गुना माइनस भी होता है, घटता भी है बाबा के बच्चे बनने के बाद। तो वो कैसे हमारा घटता है, किससे घटता है, ये भी एक दब्त राज है। हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा पुण्य का खाता, सब खाता ओपन हो जाता है ना, तो हम पुण्य का कार्य करेंगे तो 1 का 100 गुना पुण्य का खाता जमा हुआ रहता है। और जब हम कोई गलती करते हैं, 1 गलती का 1 का 100 गुना हमारा माइनस भी होता है। वो किस खाते से, उसका कोई अलग खाता नहीं है, हमारे पुण्य के खाते से वह माइनस होता है, क्योंकि हमारे खाते से ही माइनस होगा ना। तो इसीलिए हमको अपने कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बाबा कहते हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलना ही है, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब बहुत डेप्थ है। तो इसलिए किसी भी देहधारियों से लेने की अपेक्षा हमको नहीं रखना है। कई प्रश्न पूछते हैं, हम गृहस्थ में हैं तो वहां लेन देन तो हिसाब किताब होगा ही, जो समर्पित है वो तो बाबा के घर से लेते हैं, बाबा के भंडारे से लेते हैं, उनका तो कुछ नहीं है। लेकिन हम तो गृहस्थी हैं, हमको तो दुनियावी व्यवहार में भी हमको देना पड़ता है लेन देन का हिसाब। जब तक हम कमाई नहीं करेंगे तो काहे खाएंगे कहां से, बाबा की सेवा कैसे करेंगे, ये तो करना ही है। ऐसे नहीं कि नहीं करना है, लेकिन बाबा कहते निमित्त समझकर करो तो उसका हिसाब अलग ही बनता है। बाबा ने मुझे इस स्थान पर निमित्त बनाकर रखा है, इस घर को चलाने का जिम्मेवार बाबा ने मुझ आत्मा को दिया है, मैं सिर्फ करनहार हूं, बाबा करावनहार है, मैं निमित्त मात्र हूं। इस स्मृति से, इस कॉन्शियस से हम जब करते हैं तो उसका हिसाब अलग ही है। कल मैं एक मुरली, अव्यक्त मुरली बाबा की पढ़ रही थी, 18 जनवरी की मुरली थी। मैं डेट भी आपको सुनाती हूँ, आप फिर से आप उस मुरली को जरूर रिवाइज करना। ये 18 जनवरी 1990 की मुरली है। उस मुरली में बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। तो बाबा ने कहा है, बाबा स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, 18 जनवरी सभी आत्माएं इतनी स्नेही, बाबा के स्नेह में डूबे हुए होते हैं, विशेष 18 जनवरी के दिन। ये जनवरी मास हम सभी के लिए बहुत विशेष मास है। साल का शुरुआत ही पुरुषार्थ के आधार से बाबा शुरू करवाते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ के लिए एक तो समय हमको सहयोग दे रहा है, और भाग्य विधाता बाबा ने हम बच्चों का भाग्य बनाने, पुरुषार्थ करवाने। देखिए जनवरी महीना नया साल शुरू होता है, नया साल के साथ साथ बाबा हम बच्चों का नई दुनिया का भाग्य बनाने का पुरुषार्थ भी कराता है। तो बाबा हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ कराता है। आप सभी भी इस जनवरी मास में इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो देख करके बहुत दिल खुश हो जाता है। तो इस मास को, इसी मास में हमको जितना चाहिए उतना खजाना
लूट सकते हैं। तो जनवरी मास 18 जनवरी की इस मुरली में, 18 जनवरी 1990 की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कई राज खोले हैं। कल मैं वो मुरली सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लगा वही पॉइंट्स आपको थोड़ा डीपली सुनाएंगे, शेयर करेंगे जो विचार सागर मंथन था। तो बाबा ने विशेष उस मुरली में चार वरदान हम बच्चों को दिया है। स्नेही बच्चे है ना, बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन हो, स्नेही बच्चे हो। तो स्नेही बच्चों को देख करके, स्नेह में डूबे हुए बच्चों को देख करके बाबा विशेष हम बच्चों को चार वरदान देते हैं। वो चार वरदान है, बाबा ने कहा समीप भव, समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। संतुष्ट भव, बाबा ने कहा समृद्धि भव और संपन्न संतुष्ट भव, सब एस 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 में ही आता है। समीप भव, बाबा के समीप रहो, भव माना रहो। जब बाबा के समीप रहेंगे, बाबा को हम समीप रखेंगे, तो कोई भी हमारे से भूल नहीं होता है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। और दूसरा, जब बाबा साथ है, कहते हैं ना जिसके जिसका हम संग करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। तो बाबा के संग हम रहेंगे तो बाबा का संग लगते, जैसा संग वैसा रंग हमको लग ही जाता है, तो बाबा के समान हम बन सकते हैं। फिर बाबा ने तीसरा वरदान दिया संपन्न भव। संपन्न, हर गुण, हर विशेषता, हर शक्ति से संपन्न बाबा हमको कर देता है, क्योंकि बाबा के समान, समान कब अच्छा लगता है, जिसके समान हम बनते हैं उसी के जैसा जब हम बनते हैं तभी समानता अच्छा लगती है। जोड़ी भी तब अच्छा लगता है ना, एक बहुत छोटा हो एक बहुत लंबा हो तो भी जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। समान माना सेम हाइट वेट सब देखते हैं ना इस पुरानी दुनिया में, ऐसे बाबा के समान संपन्न हम बनेंगे। जब संपन्न भव का वरदान हमको प्राप्त हो जाता है तब संतुष्टता आती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा शांत हो जाती है, कोई भी चाहना हमको नहीं रहता है। चाहना रहेगा तो मनुष्यों से मांगना पड़ता है, जहां चाहना ही नहीं, आत्मा तृप्त हो गई तो मांगने की बात ही नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कर्मातीत बनना, संपन्न और संपूर्ण बनना, ये हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है। बाबा ने हम सभी को ये लक्ष्य दिया कि बच्चे संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है, तो बाबा विशेष हम बच्चों को कहते हैं पांच विकारों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाबा का अंतिम स्लोगन, बाबा अपने जीवन में कभी मुरली नहीं मिस किया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही हमको आधार है मुरली सुनाने का, है ना। इसी मुरली में बाबा ने दो सीक्रेट खोले हैं, वो दो सीक्रेट है, हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम सब अपना टाइटल क्या कहते हैं, बीके,
बीके मनन ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी। तो ये हमारा टाइटल है। उसमें बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे जन्म लेते हैं बाबा की, एक है मुखवंशावली और दूसरे है संकल्प वंशावली। तो मुखवंशावली कौन है, संकल्प वंशावली कौन है? तो ऐसा नहीं है कि हम भी मुखवंशावली नहीं है, लेकिन हम सभी ब्रह्मा के मुखवंशावली। तो हम क्या कहते हैं, हमारा कुल कौन सा है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण कहते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा जन्म लिए हुए हम ब्राह्मण ब्राह्मण कुल के भूषण है। भूषण माना अलंकार है, श्रृंगार है। छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना, ये तो हमारे कुल का दीप है, कुल दीप पैदा हुआ है। ऐसे ब्राह्मण कुल के दीप कौन है, हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा माना ब्राह्मण कुल के हम दीपक हो गए, ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हो गए, ब्राह्मण कुल के हम अलंकार हो गए। फिर भी बाबा ने इस मुरली में दो प्रकार के बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, ब्राह्मण कुल माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो बाबा ने कहा, बाबा के ही शब्द में आपको सुनाती हूँ, बाबा ने कहा आदि रतन, आदि रतन आत्माएं। आदि रतन आत्माएं कौन है, हमारी बड़ी बड़ी दादियां है, बड़े भाई है, बड़ी बड़ी दीदियां है, जिस जिसने बाबा से साकार पालना ली है। बाबा ने कहा ये आदि रतन मुख वंशावली है, बाकी बाबा के अव्यक्त होने के बाद, समझो 1969 के बाद जो भी बच्चे बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा ने कहा संकल्प वंशावली। क्योंकि बाबा उस, हम तो बाबा को नहीं देखा है ना, तो हम सभी कौन हो गए, संकल्प वंशावली ही तो कहेंगे, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को साकार बाबा को नहीं देखा है। तो साकार बाबा को नहीं देखा फिर भी हम ब्रह्मा बाबा को हमारा बाप ही मानेंगे। बच्चा पैदा होने के पहले ही बाप मर जाता है तो वो कभी ये नहीं कहता है कि ये मेरा बाप नहीं है, कभी बच्चा कहेगा क्या ये मेरा बाप नहीं है, नहीं ना। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद भले हम जन्म लिया है फिर भी हम मुखवंशावली ही है, ऐसा नहीं कि हम मुखवंशावली नहीं है। लेकिन बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर तरीके से कहा संकल्प वंशावली है। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया, तो बाप समान बाबा हम बच्चों को कर्मातीत बनाना चाहता है। कर्मातीत, कर्म में रहते अतीत, माना कर्म करते हम अपनी स्थिति को न्यारा और प्यारा बनाए। तो अपनी स्थिति को न्यारा और प्यारा बनाने के लिए अपने को कर्म के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है। ब्राह्मण बच्चे बनने के बाद हमारा हिसाब ही अलग हो जाता है। तो इसलिए हमारे हर कर्म के ऊपर हमको अटेंशन देना होता है। तो कर्म में लाने के पहले क्या होता है, हमारा पहले संकल्प में आता है। तो बाबा ने हम बच्चों को अंतिम वरदान क्या दिया, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी तो हम सभी जानते ही हैं कि हमको इस शरीर की कॉन्शियस में, शरीर के भान में नहीं रहना है, आत्म अभिमानी बनना है।
तो निराकारी स्थिति, दूसरा निर्विकार। हम सभी जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं। तो निर्विकारी, निर्विकारी माने इन विकारों पर विजय प्राप्त करना, यानी निर्विकारी बनना। और तीसरा वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया, निरअहंकारी। पांच विकार में अहंकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और निरअहंकारी बाबा ने सेपरेटली हम बच्चों को अलग से कहा है, निरअहंकारी बनना। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। दूसरा जो विकार का अहंकार है, पंच विकार का जो अहंकार है, वो हम जीत लेते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको दूसरा अहंकार आता है, वो है मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे में सब कलाएं हैं, मैं कर सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो ये अहंकार, तो इस अहंकार से भी हमको जीत पानी है, क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के पहले हमारे में कोई भी अच्छे गुण नहीं थे। कलयुग में हमारी सब कलाएं, हमारी सब गुण खत्म हो गया था। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा हम बच्चों को अनेक गुण, अनेक विशेषताएं, अनेक शक्ति उनसे भर देता है। तो बाबा की ये देन है, जो भी हमारे अभी गुण है, कला है, विशेषता है, शक्ति है, ये हमारी बिल्कुल नहीं है। वो सब बाबा ने हमको संगम युग पर, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने हम बच्चों को वरदानों से, शक्तियों से भर दिया है। वो बाबा की देन है। उस देन को मैं अपना समझती हूँ, तो इसको बाबा हमेशा कहते अमानत में ख्यानत डालना। बाबा की चीज पर अपनी, अपना समझना, मेरा है तो ये मेरा नहीं है, वो बाबा का दिया हुआ है। तो बाबा का दिया हुआ हमको यूज, हम यूज कर रहे हैं ऐसे, तब उसका फल हमको ज्यादा मिलता है। मेरा है तो उस अभिमान से, उस अहंकार से भी हमको अभी ऊपर आना है। इसलिए बाबा कहते निरअहंकारी। ब्राह्मण बनने के बाद ऐसे अहंकार हमारे में आ जाते हैं, तो इस अहंकार से भी हमको ऊपर चढ़ना है, अभी इस अहंकार को भी तोड़ना है। तो इसलिए जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारे मन में ही तो ये सब संकल्प आता है ना, इन संकल्पों से भी, इन विचारों से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष करके कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों को कंट्रोल करो, क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसी समय उसका फल फिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, एक कर्म का पदम गुना उसमें फल मिलता है। एक अच्छा कर्म करेंगे संगम युग पर, उसका पदम गुना फल मिलता है, जमा होता है। तो जब हम कर्म करते हैं, उसी का उसी समय उसका सेटलमेंट डिसाइड हो जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं, उसको, उसका फल देने वाला दो चीजें है, एक समय, दूसरा भगवान। कहते ना, धर्मराजपुरी भी है और समय भी है। कई बार हमारे साधारण भाषा में हम कहते हैं, ये ऐसा करता है ना,
एक समय आएगा उसको मालूम पड़ेगा, समय आने से उसको मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां कर रहे हैं लेकिन धर्मराजपुरी में तो हिसाब देना है। ये दो बातें हम हमेशा कहते हैं किसी की भूल को देख करके। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो उसी समय कैसे फिक्स होता है, ये शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से इसका एग्जाम्पल, शास्त्रों से हम सिर्फ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना कि शास्त्रों में सार नहीं है, सार कितना है, आटे में नमक जितना है। तो वो आटे में नमक हमको लेना है बस, सारा आटा हमको देखना नहीं है। तो ऐसे रामायण की इसमें, रामायण में दिखाते हैं अहल्या, उसको वो मालूम भी नहीं होता है भूल, उसको पता भी नहीं चलता है, लेकिन अहल्या से भूल हो जाता है। तब उसका पति उसको श्राप देता है, तुमने ऐसा भूल किया तुम पत्थर बन जाओ। अहल्या पत्थर बन जाती है। तो फिर वो रियलाइज करके पूछती है, उसी समय उसको मालूम पड़ता है कि ये भूल हो गया है, क्योंकि उसको बिना, उसको उसके नॉलेज के बिना वो भूल हो जाता है। ये शास्त्रों में कहानी दिखाया हुआ है। उसको मालूम भी नहीं रहता है कि वो भूल हो जाता है, उसकी भूल को उसका पति उसको श्राप देने के बाद उसको पता चलता है कि मैंने भूल किया है। तो वो पूछती है इस भूल का क्लियरेंस, सेटलमेंट कब होता है। तब वो कहता है जब राम आता है, राम का पांव तुम्हारे पर पड़ने से तुम फिर अहल्या बन जाती हो, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता होती है। तो कहानियों में दिखाते हैं राम का पांव पड़ते ही अहल्या पत्थर अहल्या बन जाती है। माना जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म का हिसाब उसी का उसी समय फिक्स हो जाता है, उसका पनिशमेंट, क्योंकि ये समय फिक्स करता है। जो यहां पर हिसाब किताब सेटल होता है वो समय सेटल करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरों के हिसाब में हम इंटरफेयर करते हैं। कैसे इंटरफेयर करते हैं? उदाहरण के तौर पर हमारे सामने कोई ने कोई भूल कर दिया, तो हम क्या कहते हैं, देखो उसने भूल कर दिया है, ये तो 100% रॉन्ग है, इसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, इसलिए इसको ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा हम उसको पनिशमेंट दे देते हैं। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है हमको जज नहीं बनना है, दूसरे के भूल का डिसीशन हमको नहीं देना है। इसलिए क्या होता है, दूसरों के हिसाब किताब में हम इंटरफियर हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है पता है, जब उसने भूल किया उस भूल का सेटलमेंट समय ने सेटल करके रखा है। समझो आज कोई ने भूल किया, समझो मैं ही आज उस भूल किया, तो उस आज जो किया हुआ भूल उसका सेटलमेंट अगले मास में फरवरी 20 तारीख को उसका सेटलमेंट होने वाला समय फिक्स करके रखा रहता है, क्योंकि जिस समय हमारा भूल होता है उसी समय उसका सेटलमेंट भी डिसाइड होता है। तो आज मैंने भूल किया तो फरवरी, आज देखिए आज कितना तारीख है, आज तो 22 तारीख है ना, 22 तारीख, आज मैंने भूल किया, जनवरी 22 को मैंने भूल किया, एग्जाम्पल है। अगले मास
24-25 को उसका सेटलमेंट समय फिक्स करके रखता है, लेकिन समय के ऊपर हम छोड़ते नहीं हैं, हम उस कर्म के अंदर उस डिसीशन में हम इंटरफियर हो करके उस आत्मा के लिए हम कहते हैं कि नहीं, इसने ऐसा भूल किया है ना, उसको ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, अभी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा हम डिसाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है पता है, फ़रवरी 22 उसका सेटलमेंट के पहले हमने उस आत्मा को आज ही या कल ही या 8 दिन के बाद सेटल कर देते हैं, तो उसका जिम्मेवार हम हो जाते हैं, समय पर नहीं छोड़ते, हम इंटरफेयर किया तो हमारे ऊपर उसकी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि हमने उसको डिसाइड किया ना, हमने इंटरफेयर किया ना। फिर क्या होता है, अगले मास हमारा मन जिसने इंटरफेयर किया, जिसने डिसीशन दिया, उस आत्मा का फ़रवरी 22 को उस आत्मा के सेटलमेंट के दिन में आपको कुछ अच्छाई होने का फिक्स रहता है, तो उस समय हमारा वो अच्छाई नहीं होगा, क्योंकि उस आत्मा का जो डिसीजन हमने दिया पहले से ही, तो 22 उस आत्मा को सेटलमेंट होना था, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे हम कई बार दूसरों के कर्म में इंटरफियर होते हैं, इंटरफियर होने के बाद उसमें हम उनका अकाउंट हमारे अकाउंट में जमा कर लेते हैं। तो इसलिए कई बार हम अपने निजी व्यवहार में देखते हैं तो हमको ही पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अचानक घर में रहते ही साधारण कर्म करने समय ही पांव स्लिप हो जाएगा, गिर जाएंगे, या कुछ शरीर का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा का जो सेटलमेंट का हमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, तो इफेक्ट हमको आएगा ना। इसलिए हम कहते हैं पता नहीं मेरा कर्म क्या था, आज मुझे ऐसा हो गया, मेरा समय ठीक नहीं इसलिए ऐसा हुआ, नन समय सरी इला, नन टाइम सरी इला, मेरा टाइम ठीक नहीं है। टाइम के डिसीजन में मैंने इंटरफियर किया तो टाइम ने मुझे उसका रिटर्न दिया, तो इसलिए प्लीज अभी समय बहुत बहुत नाजुक चल रहा है, इतना नाजुक समय चल रहा है जो हम बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बाबा ने कहा है ना, अंतिम समय ऐसा आएगा जो आप बच्चे संकल्प के द्वारा सेवा करेंगे, उस समय कोई साधन नहीं रहेगा, सिर्फ मनसा सेवा ही कार्य करेगा। तो मनसा सेवा करने के लिए उस मनसा की शक्ति को, मनोबल को, विल पावर को, शक्तियों को अभी से ही जमा करना होता है। जब हम वो जमा करेंगे तभी अंतिम समय हम सेवा कर पाएंगे। उस समय स्थूल सेवा हो, वाचा की सेवा हो, नहीं होंगी, ओनली मनसा सेवा होगी। तो मनसा सेवा करने के लिए हमारा मन ठीक रहना चाहिए, बाहर का वातावरण, प्रकृति, सब कुछ हलचल में, सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद बाबा का संदेश, रोज बाबा को भोग लगाया जाता था, 1969 की बुक में हर रोज का
जो बाबा को भोग लगाया है उसका संदेश प्रिंटेड है 1969 की मुरलियों में, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। उस संदेश में बाबा ने अंतिम समय का नजारा एक्सप्लेन किया है कि अंतिम समय क्या होने वाला है। एक तरफ हमारा शरीर का हिसाब किताब, दूसरे तरफ शरीर के संबंधियों का प्रॉब्लम, तीसरे तरफ हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, और चौथे तरफ इविल सोल्स, और पांचवे तरफ प्रकृति। ऐसे चार पांचों तरफ हमारी परीक्षा होंगी। इन सभी परीक्षाओं में पास होने के लिए, इन परीक्षाओं में आगे पढ़ने के लिए, फेस करने के लिए हमारे में अभी से उस शक्ति को धारण करना है। तो वो शक्ति हमारे में कैसे आएंगी? बाबा कहते हैं ना, अंतिम पेपर की तैयारी अभी से करनी है। तो अभी से हम कैसे करेंगे? अभी से हम योग की शक्ति से अपने को देखना है। अभी इसमें हमको सेल्फिश बनना है, दूसरे को कभी नहीं देखना है। देखिए, जब हम ज्ञान में आते हैं, आप अपना फर्स्ट डे याद कीजिए, जब हम सेंटर में आए, जो भी बहन निमित्त बनी हमको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सुन रहे हैं, तो उस समय हम कैसे आते हैं? अपने लिए ही आते हैं। कहेंगे मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, मन अशांत है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम ढूंढ करके आई, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, ऐसे हम कहते हैं। तो ये हमारा बचपन। तो अभी से ही हम अपना पुण्य का खाता, जमा का खाता बनाना पड़ता है। तो हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा हम बच्चों को हर गुण हर शक्ति ट्रांसफर करता है। उसका यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में दिखाया है। महाभारत में हम देखते हैं युद्ध का समय, अर्जुन और कर्ण के साथ युद्ध होता है। जब अर्जुन और कर्ण के साथ युद्ध होता है तो अर्जुन जितने भी बाण मारता है कर्ण को, लेकिन हम सभी को पता है कर्ण को कहते हैं दान वीर शूर कर्ण। तो वो दान करने में बहुत सबसे दान करने वालों की लिस्ट में कर्ण का ही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ उसने दान किया। तो दान करने के बाद उसका खाता भी तो बनता है ना, पुण्य का खाता जमा होता है ना। तो वो जमा का खाता उसके पास बहुत था, क्योंकि करण हर दिन दान करता था। वो सूर्य पुत्र था ना करण, तो वो हर दिन दान करता था। तो दान का पुण्य जमा उसके पास बहुत था। तो समय आने पर वो पुण्य जो है, करण ने जो जीवन में दान पुण्य कर कर करके जमा करके रखा था ना, वो आके उस समय पर उसको मदद करता है। अर्जुन और कर्ण के साथ जब युद्ध चलता है तो जितना भी ये बाण मारता है, लेकिन सब फूल माला बन करके कर्ण के गले में पड़ता है, वो मरता नहीं है। तब कृष्ण क्या करता है, एक ब्राह्मण के वेश में जा करके करण से, जो उसका दान का जमा का खाता है ना, वो दान में ले लेता है। देखिए, ऐसे समय पर भी करण दान करता है। तो वो ब्राह्मण क्या मांगता है पता है दान में? तो उस
कृष्ण को भगवान मानते हैं ना भक्ति मार्ग में, महाभारत की कहानियों में, तो भगवान को पता चल जाता है कि इसका पुण्य का खाता इसको बचा रहा है। तो ब्राह्मण के वेश में करण के पास जाकर के कहता है, आपने अपने जीवन में, तो वो दान मांगता है करण से, क्योंकि करण दान दिए बिना रह नहीं सकता है, तो इसलिए कृष्ण ब्राह्मण बन के करण के पास आकर के दान पूछता है। तो ऐसे युद्ध के समय पर भी करण दान करता है। ये दान में क्या मांगता है पता है? आज दिन तक तुमने जो दान करके पुण्य का खाता जमा किया है वो सब मुझे दान में देना, दान में चाहिए। और वो सब दान देने के बाद भी उसका पुण्य बनेगा ना, जो भी दान करते हैं उसका पुण्य तो बनता ही है। तो जीवन में जितना दान किया वो पुण्य का खाता, और जो पुण्य का खाता को भी तुमने दान किया वो भी मुझे दान में चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जब हम दान करते हैं, दान करने का पुण्य जमा हुआ रहता है, वो दान किया हुआ पुण्य मुझे चाहिए, और जो पुण्य को हम दे रहे हो उसका भी पुण्य बनता है ना, वो भी वो सहित तो मुझे चाहिए। तो उसके बाद उसके पास जीरो हो जाता है ना। ऐसे करण दान में लेता है, माना करण दान में देता है ब्राह्मण को, सारी शक्ति सब कुछ उसमें ट्रांसफर हो जाता है। माना ये ट्रांसफर का, शक्तियों का, गुणों का ट्रांसफर का एग्जाम्पल करण को दिखाया है शास्त्रों में। ऐसे हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, ब्राह्मण परिवार में आने के बाद, हमारा जो है कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। तो इसी 1990 की मुरली में ब्लड कनेक्शन के बारे में भी बाबा ने सुनाया है, अभी हम बच्चों का ब्लड कनेक्शन नहीं है, तो हमारा है संकल्प का कनेक्शन, ब्लड कनेक्शन नहीं है, तो ये है संकल्प का कनेक्शन। तो हम बाबा के संकल्प के बच्चे हैं ना, तो ये है संकल्प का कनेक्शन। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने उस मुरली में बहुत सुंदर तरीके से कहा, ये ब्लड कनेक्शन नहीं है, आत्मिक कनेक्शन। बाबा के शब्द था आत्मिक कनेक्शन, ब्लड कनेक्शन नहीं, आत्मिक कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन, आत्मिक कनेक्शन, आध्यात्मिक कनेक्शन। इसलिए ज्ञान में आने के बाद लौकिक वाले कोई भी शरीर छोड़ते हैं ना, हमारे आंखों में आंसू नहीं आता है। अपने ज्ञानी जो जिससे हमने पालना लिया है वो शरीर छोड़ते हैं ना, तो जरूर आंखों में आंसू आता है, क्योंकि ये आत्मिक कनेक्शन, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब हमारे जगदीश भाई, आप सभी को पता होगा, जगदीश भाई जो हमारे सारे लिटरेचर्स जगदीश भाई ने लिखा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो जब हम छोटेपन में मधुबन में जाते थे ना, तो जगदीश भाई से पर्सनल हम लोग जाके मिलते थे। इतना फ्लेक्सिबल थे भाई, हम सभी को बहुत पालना किया है। तो वो भाई जब शरीर छोड़ा उस समय मेरे आंखों में आंसू आए, लेकिन मेरा लौकिक पिता जब शरीर छोड़ा एक बूंद भी मेरे आंखों में आंसू नहीं आया। वो था ब्लड कनेक्शन और ये था आत्मिक कनेक्शन। तो हमारा अभी आत्मिक कनेक्शन है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इस मुरली में, 1990 की मुरली में, 18 जनवरी की 1990 की मुरली में बहुत अच्छा बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो हमारा है आत्मिक कनेक्शन, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म अनेक के साथ आती है ना। हमारा संबंध 5000 वर्ष का है, हम बीके भाई बहने ही अनेक नाम रूप से अनेक जन्मों में बार बार मिलते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन
बहुत श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के साथी ही सारे कल्प में हमें अनेक नाम रूपों से मिलते रहेंगे। तो इसलिए इस अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर से न्यारा होना था, अव्यक्त होना था, तो उस समय सीन क्या चला? प्रकाशमणि दादी जी बॉम्बे सेंटर में थे, पार्टी लेकर के मधुबन गए थे बाबा से मिलने। जैसे अभी हम लोगों को पार्टी लेके जाते हैं ना मधुबन बाबा से मिलने के लिए, तो ऐसे उस समय साकार बाबा से मिलने के लिए पार्टियां मधुबन जाती थी। बाबा उन पार्टियों से मिलते थे, वरदान देते थे। तो ऐसे प्रकाशमणि दादी भी हमारे जैसा ही सेंटर इंचार्ज बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे से बाबा ने दादी ने बाबा के पास पार्टी को लेके गई। फिर बाबा ने दादी को कहा, बच्ची पार्टी को भेज दो, आप रह जाओ। देखिए, पार्टी को ले जाओ, आप रह जाओ, तो इसका मतलब भगवान जाने, समय और भगवान के हाथ में। लेकिन बाबा ने क्या किया, दादी को रुकाया। दादी वहां रुकी, उसके बाद 18 जनवरी को बाबा क्लास करा के कमरे में आए। तो क्लास में लास्ट में बाबा ने निराकारी, निर्विकारी, निराहंकारी का वरदान दिया और बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे छुट्टी। फिर बाबा कमरे में आए, थोड़ा सांस का तकलीफ हुआ तो बाबा ने प्रकाशमणि दादी को हाथ में हाथ देकर दृष्टि देते देते अपनी सारी शक्ति को ट्रांसफर करके बाबा इस शरीर से अव्यक्त वतन सेकंड में बाबा उड़ गए। इसी मुरली में एक बाबा ने शब्द कहा है, बच्चे पूछते हैं बाबा सुना करके क्यों नहीं गए, बाबा छुट्टी लेकर के क्यों नहीं गए। तो बाबा ने कहा है, मैं छुट्टी लेता तो आप बच्चे छुट्टी देते नहीं, देते थे ना। तो ड्रामा, समय भी ऐसा था, कर्मातीत का पाठ बाबा को पढ़ाना था, तो इसलिए पंची सेकंड में उड़ गया। ऐसा बाबा ने ये 1990 की मुरली में बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे शक्तियां ट्रांसफर हो सकती है, तो हिसाब किताब ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्या? जरूर होता है। जब हम दूसरों के हिसाब किताब में, दूसरों के सेटलमेंट में इंटरफियर होंगे तो अकाउंट हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करते हैं पेटीएम में, गूगल पे में पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, तो हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ बटन दबाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक इसी तरह से किसी के अकाउंट में हम इंटरफियर होंगे, तो इंटरफियर होना ही बटन है, इंटरफियर होना माना बटन को प्रेस करना, तो अपने आप उनका अकाउंट हमारे अंदर, हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, फिर हमको उस अकाउंट को सेटल करने में टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए हम अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे और कोई भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे। आज से हम यही धारणा करेंगे, मैं कुछ भी सोचूंगी व्यर्थ नहीं सोचूंगी, व्यर्थ मेरा संकल्प नहीं चलेगा, व्यर्थ मेरा समय नहीं जाएगा, क्योंकि समय और भगवान दो हीलर है जो हमको मदद होता है। तो इन दोनों को हम जब वैल्यू देंगे, एक समय को, जब हम समय को वैल्यू देंगे, समय हमको समय पर मदद करता है, तो हमको समय पर मदद चाहिए, समय पर समय का मदद हमको चाहिए, तो अभी हमको समय को रेस्पेक्ट देना पड़ता है। समय को जो चलना है वो चलने दे, दूसरों के अकाउंट में हम इंटरफियर न हो, और जब हम उसके बाद हम निराकारी दुनिया में जाएंगे,
तो रहा हुआ जो भी हिसाब किताब है वो धर्मराजपुरी में सेटल होता है। मैंने दो बातें सुनाई ना, एक समय एक भगवान, दो जने हैं हमारे सेटलमेंट करने वाले। तो एक समय का सुनाया, अभी भगवान कैसे सेटल करता है, तो वापस घर हम जब जाते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन, वाया धर्मराजपुरी सबको क्रॉस करना ही है। तो धर्मराजपुरी में स्वयं भगवान हमको हिसाब लेगा, तो उसको भी हम अभी से सारा हिसाब किताब चुकतू करके फ्री हो जाएंगे, तभी हम धर्मराजपुरी में भी सलाम करते हुए अपने शांति धाम जा सकते हैं। तो अपने कर्मों पर अटेंशन देना ही अभी हमारा पुरुषार्थ है। समय को वैल्यू देना, अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर,